आज हम करेंगे नवी क्लास की हिंदी का क्षितिज का चैप्टर पांचवा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। अल्प वयस मीन्स कम उम्र, भग्नाविष्ट मीन्स खंडर, इतिहासविता इतिहास का जानकार। तो अब करेंगे हम चपला देवी का, इसका जो लेखिका है कौन है, चपला देवी। तो चपला देवी का जीवन और साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, जीवन के बारे में। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका मानी जाती हैं। इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इनकी रचनाएं थी, चपला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में रिपोर्टाज लिखे थे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। उनकी अन्य रचनाओं के संबंध में हिंदी साहित्य का इतिहास मौन है, मतलब हिंदी साहित्य को इनका कोई अधिक इतिहास में इनकी रचनाएं अधिक नहीं है। अगला टब हेडिंग आएगा भाषा शैली। चपला देवी द्वारा रचित रिपोर्टाज इस शैली का प्रारंभिक रूप है। इसमें लेखिका ने तत्कालीन प्रचलित लोक बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें क्रूरता, विद्रोह, दमन, वास स्थान, अल्प वयस आदि तत्सम प्रधान शब्दों के अतिरिक्त महल, बरामदा, चिट्ठी, फिक्र, तार आदि विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। संवादात्मकता ने इस रिपोर्टाज की रोचकता में वृद्धि की है। जैसे सेनापति ने उससे पूछा क्या चाहती है, मतलब सेनापति ने जो मैना नाना साहब की पुत्री देवी थी मैना थी उससे पूछा था कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि इस मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। कहीं कहीं विवरणात्मक शैली के दर्शन होते हैं, जैसे कल कानपुर के किले में एक भीष्म हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीष्म अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस प्रकार लेखिका ने सहज भावपूर्ण और प्रभावमयी भाषा शैली में अपने भावों को व्यक्त किया है। तो ये था चपला देवी का जीवन और साहित्यिक परिचय। अब हम पढ़ेंगे इसका पाठ का सार। शॉर्ट में हम पहले लेसन को पढ़ा रही हूँ, अब आप अपनी पुस्तक किताब में से इस लेसन को पढ़ना और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे नाना साहब धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया नामक पाठ के रचयिता कौन है, कौन है इसकी रचयिता, लेखिका कौन है, चपला देवी, ठीक है। इस तरह से नाना साहब विद्रोही किस स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें ये नेता थे। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो अपनी किताब को पढ़कर उसमें से आपको अपनी कॉपी पर करने हैं, ठीक है। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी द्वारा रचित रिपोर्टाज हैं, जिसमें लेखिका ने सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री मैना को अंग्रेजों द्वारा जलाकर मार डालने का हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। कानपुर में भीष्म नरसंहार करने के बाद अंग्रेजों की सेना ने बिठूर जाकर नाना साहब का राजमहल लूट लिया, मतलब कानपुर में भीष्म हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज कहाँ पर गए थे, बिठूर में। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद उन्होंने तोप के गोलों से महल को भस्म करने की तैयारी की, तो महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई तथा अंग्रेज सेनापति को महल पर तोप के गोले बरसाने से मना किया। उस छोटी सी बालिका पर अंग्रेज सेनापति को दया आ गई और उसने उस मतलब सेनापति हे क्या नाम था उसका सेनापति हे और उसने उस बालिका से पूछा कि वह क्या चाहती है। उस बालिका ने सेनापति को अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि वह इस महल की रक्षा करना चाहती है, क्योंकि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे वे दोषी हो सकते हैं, परंतु इस जड़ पदार्थ मकान ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। सेनापति ने उत्तर दिया कि वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है, इसलिए उसे यह मकान गिराना ही होगा। तब वह बालिका उस अंग्रेज सेनापति को बताती है कि वह जानती है कि वे जनरल हे हैं। कौन है वो, जनरल हे। उनकी पुत्री मैरी से उसकी मित्रता थी, मतलब जनरल हे की पुत्री का नाम था मैरी। मैरी की मृत्यु से वह बहुत दुखी हो गई हुई थी। मैरी का एक पत्र आज भी उसके पास सुरक्षित है। तब सेनापति ने उस बालिका को पहचान लिया कि वह नाना साहब की पुत्री मैना है।
वह उसे बचाने का प्रयत्न करने की बात करता कहता है। तभी वहाँ जनरल आउटरम, प्रधान सेनापति था जनरल आउटरम, आकर नाना साहब के महल के तोप के से उड़ाने के लिए कहता है। सेनापति ही नाना साहब के महल को किसी प्रकार से बचाने के लिए उनसे पूछता है तो आउटरम स्पष्ट कह देता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। सेनापति ही गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग से इस विषय में तार भेजकर अनुरोध करता है। लॉर्ड कैनिंग का उत्तर आता है कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। उसी क्षण जनरल अल्ट्रम की आज्ञा से नाना का राजमहल तोप के गोले बरसाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इस संदर्भ में लंदन में प्रकाशित टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक पत्र लेख में नाना साहब को पकड़ सकने में अंग्रेज सेना की असमर्थता पर खेद व्यक्त किया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर टॉमस हे की इस रिपोर्ट की निंदा की गई कि नाना की कन्या पर दया की जाए। उन्होंने नाना के परिवारजनों तथा संबंधियों को मार डालने तथा मैना को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। सन 1857 ईस्वी के सितंबर महीने की आधी रात के समय चांदनी में स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहनकर एक बालिका नाना साहब के धाराशाही महल के डेर पर बैठी रो रही थी। वहीं पास में जनरल आउटरम और उसकी सेना भी ठहरी हुई थी। बालिका के रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां पहुंच गया और उसने उसे पहचान लिया कि यह तो नाना की पुत्री मैना है। उसने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। बाद में महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चित्रनवीस के समाचार पत्र बाखर में यह प्रकाशित हुआ कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में वह भी शांत भाव से उस बालिका को जलती देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो इस तरह से ये पाठ का सार हो गया है। तो जो क्वेश्चन एक तो इसका करना है आपको जीवन परिचय, जो लेखिका का जीवन परिचय उसे याद करना है, कॉपी पर लिखना है और अपनी किताब को पढ़कर उसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनको कॉपी पर लिखना है।